जो हमारे राज्य में काम करने वाले भाई है, वो चाहे किसी भी राज्य से हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हो, आप लोग हमारे भाई है, हमारे बंधु है, हमारे बेटे हैं। आपका देखभाल करना, आपको खाना खिलाना, आपको रेशन सप्लाई करना, आपको पानी सप्लाई करना, आपको कोई मेडिसिन की भी दिक्कत हो, कोई हेल्थ का प्रॉब्लम हो, उसको भी देखभाल करना हमारा फर्ज बनता है। आप हमारे पास हमारे राज्य के विकास के लिए, हमारे राज्य के लिए सेवा करने के लिए आए हैं, इसलिए हम आपको हमारे भाई बंधु, हमारे बेटे समझते हैं। आप किसी चीज़ की फिक्र ना करें। एक एक आदमी को आपको तेलंगाना में रहिए आराम से, आप अपने राज्य को जाने का उतना ज़्यादा फिक्र मत कीजिए। जब तक भी आप रहेंगे, चाहे कितना भी राशि खर्चा करने पड़े, आपको हम अपने फैमिली मेंबर के जैसा देखेंगे, हमारे घर के लोगों के जैसा पेट में रख लेके आपको पाल लेंगे। आप कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको 12 किलो रेशन हर आदमी को दिया जाएगा। आप अगर फैमिली हो, आपके फैमिली 3 मेंबर है, 4 मेंबर है, आपको 2000 रुपये मिलेंगे। एक आदमी को 500 रुपये दिए जाएंगे, यही ना। एक आदमी को 12 किलो चावल दिया जाएगा। जिन लोग रोटी खाने वाले हैं, आपको आटा चाहिए, उसी हिसाब से आटा भी दिया जाएगा। और जो लोग खाना पका के देने के लिए कर रहे हैं, उनको खाना पका के भी दिया जाएगा। सारे चीज़ जो भी आपके ज़रूरियात होंगे, वो बिल्कुल तेलंगाना सरकार पूरे करेगी। हम आपको हमारे राज्य के विकास के प्रतिनिधि समझते हैं, इसीलिए आप किसी चीज़ की चिंता ना करें, भागने की कोशिश ना करें, आराम से रहे अपनी जगह। हर चीज़ का, आपका खाने का, आपका रहने का, आपका पीने का पानी का, आपका सेहत के बारे में और आपके मेडिकल चेकअप के बारे में पूरा पूरा, ऐसे 3.5 लाख लोगों का हमारे पास एक लिस्ट आया हुआ है। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब पर्सनली उसको देख रहे हैं, इसलिए कोई चिंता ना करे। अपने अपने राज्यों में टेलीफोन करके उन लोगों को मत घबराए, आप आराम से यहाँ रह सकते हैं। किसी भी चीज़ की आपको तकलीफ हो, लोकल कलेक्टर साहब से मिलो, लोकल MLA से मिलो, लोकल सरपंच से मिलो, आप जहाँ कहीं भी हो, बिल्कुल आपके बारे में देखभाल किया जाएगा। तहसील में मिलिए, किसी और साहब को मिलिए, म्यूनसिपालिटी में मिलिए, पुलिस स्टेशन में मिलिए, जहाँ भी आप मिल सकते मिल लीजिए, जिनके जरिए भी आपका पूरा देखभाल हो जाएगा। इसीलिए बेफिक्र से आप लोग रह सकते हैं। मैं तेलंगाना मुख्यमंत्री के नाते कह रहा हूँ, कितने भी 1000 करोड़ खर्च करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे, पैसे का इंतजाम करेंगे। आप आराम से रहे, कोई चिंता ना करें। किसी को किसी किस्म का तकलीफ हो तो बता दें, लोकल में आपके लिए वो पूरा इंतजाम किया जाएगा, आप आराम से रह सकते हैं।